का स्वागत है और बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में वंशवाद को लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रही है। शायद यही वजह है कि इस बार गांधी परिवार से अलग किसी दूसरे नेता को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। और इस रेस में, जी हां, इस रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे आगे हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता से लेकर विपक्ष तक बस एक ही चर्चा है कि क्या गांधी, जी हां, क्या कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त हो पाएगी। वंशवाद के आरोपों से घिरी कांग्रेस में नए बदलाव की बयार बह रही है। 24 साल बाद गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष चुनने की कवायद तेज हो गई है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब निगाहें अशोक गहलोत पर टिकी हैं। राहुल गांधी से केरल में मुलाकात करने के बाद अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया। गहलोत ने साफ कहा कि इस बार गैर गांधी ही अध्यक्ष बनेगा। गहलोत ने ये भी कहा कि सबका मकसद पार्टी को मजबूत करना है। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं, हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जो हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, चाहे वो कंटेस्ट भी करते हैं, तब भी कोई बात नहीं। अगर हम चाहेंगे चुनाव के परिणाम के बाद में हम सब मिलके कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर हम मजबूत भी करें और जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें। राजस्थान में नए सीएम के सवाल पर गहलोत ने कहा कि इस पर फैसला सोनिया गांधी और प्रभारी महासचिव अजय माकन मिलकर तय करेंगे। कि अशोक गहलोत जो कह रहे थे कि मैं एक ही बार में तीन तीन अलग पोस्ट संभाल सकता हूं, उस अशोक गहलोत के सुर बदले हुए दिखाई दिए और अब वो कहते हैं कि किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद वो छोड़ने के लिए तैयार है। और जब उनसे बात की गई कि क्या दूसरे राजस्थान के मुख्यमंत्री अब सचिन पायलट बनेंगे, तो इसको लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद वो कैसे तय कर सकते हैं, इसको तय करने के लिए सोनिया गांधी और अजय माकन कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर्स है और वो ही इस चीज का डिसीजन लेंगे। सूत्रों के हवालों से हमें पता चला है कि जिस तरह से एक मांग बाहर आ रही है और एक कहीं ना कहीं कोरस साउंड हो रहा है सचिन पायलट का नाम आते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए, वहीं हम देखते हैं कि 27 सितंबर को जो सारे विधायक हैं कांग्रेस के वो दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली आकर मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी ओर से क्या एक नाम है उस पर अपनी राय रखेंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस उत्साहित है और अब बीजेपी को नसीहत दे रही है, लेकिन बीजेपी का मानना है नया अध्यक्ष रबर स्टैंप ही साबित होगा। बरसों पहले ये कह चुके थे कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट पद मैं नहीं संभालूंगा, नॉन गांधी किसी को यह सौंपा जाए। आज जो अशोक गहलोत जी का बयान आया है इसने कई बातों की पुष्टि कर दी है कि किस प्रकार से कांग्रेस का अगर नया अध्यक्ष तथाकथित चुनाव की प्रक्रिया से चुना भी जाता है तो वो अध्यक्ष मात्र नाम का अध्यक्ष होगा, प्रॉक्सी अध्यक्ष होगा, रबर स्टैंप होगा। और जैसे मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथों में हुआ करता था, वैसे इस नए अध्यक्ष का भी रिमोट कंट्रोल परिवार के हाथ में ही होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।
सीएम अशोक गहलोत तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने शिरडी में साईं बाबा मंदिर में दर्शन भी किए। अशोक गहलोत के अलावा वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने चुनावी समर में उतरने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। यानी यह तय है कि इस बार कांग्रेस की कमान गैर गांधी परिवार के हाथ में होगी, लेकिन सवाल है कि क्या पावर भी नए अध्यक्ष के पास होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब हर तरफ चर्चा यही चल रही है कि कहीं अशोक गहलोत भी रबर स्टैम्प तो नहीं होंगे, लेकिन ये बात की बात है। पहले हम आपको समझा देते हैं, हम आपको ये समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कांग्रेस की कमान किस किस ने संभाली और नेहरू गांधी परिवार से कौन कौन अलग अध्यक्ष बना है कांग्रेस का। जी हाँ, इसको आप समझिए और देखिए भी कि आखिर ये कैसे हुआ है। आप देखिए, 41 साल नेहरू गांधी परिवार का सदस्य अध्यक्ष रहा है, तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। नेहरू गांधी परिवार के कुल 5 अध्यक्ष अब तक बने हैं, 13 ऐसे अध्यक्ष हैं, जी हाँ 13 ऐसे अध्यक्ष हैं जो जिनमें नेहरू गांधी परिवार के बाहर के हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ये कमाल संभाली है। सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, सबसे लंबे समय तक अगर इस पद पर रहा है गांधी परिवार से तो वो सोनिया गांधी रही हैं। फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष के रूप में ये कमान रही है और राहुल 2017 में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। वहीं 2019 के आम चुनाव में जब कांग्रेस को करारी हार मिली तो राहुल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपनी जिम्मेदारी इसमें महसूस की और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेहरू गांधी परिवार से बाहर के नेताओं में कौन कौन से नेता हैं? जेपी कृपलानी, बी पट्टा भी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, यूएन ढेबर, एन संजीव रेड्डी, के कामराज, एस निजलिकपा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, डी के बरुआ, के बी रेड्डी, पीबी नरसिम्हा राव और सीताराम अध्यक्ष पार्टी के रहे हैं। ये तमाम नेता रहे हैं। अब सफलता असफलता की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा अध्यक्ष रहने वाली सोनिया गांधी, अभी भी उनके पास कमान है। राहुल ने साफ तौर पर मना कर दिया, जैसे कि अशोक गहलोत बता रहे थे कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष होगा। अब घमासान राजस्थान को लेकर है। गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना साफ हो गया है और अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। सचिन पायलट ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु सोनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी साफ कर दिया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा ये आला कमान तय करेगा। इसी बीच आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर पहुंचे और जयपुर पहुंचने के बाद सीधे विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में उनको विधायकों ने रिसीव किया। उसके बाद सचिन पायलट विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के कक्ष में जाकर विधायकों से मिले, तमाम विधायकों से चर्चा की। कैमरा पर्सन तनुज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के सवाल पर गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गढ़ा ने कहा है कि जो आलाकमान तय करेगा हम फैसला वही करेंगे। हमारा तो यही विचार है कि जो फैसला दिल्ली करेगी हम उस फैसले को, सोनिया जी जो फैसला करेंगे, राहुल जी जो फैसला करेंगे और जो फैसला प्रियंका जी करेंगे, हम उस फैसले को सिरोधार्य करेंगे। हम उस फैसले को, उस पर कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा, हम उसको सिरोधार्य। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। नॉमिनेशन शुरू हुआ है, अब देखेंगे कितने लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उसमें कितने रिजेक्ट होते हैं और कितना फाइनल कैंडिडेट्स होते हैं, उसके ऊपर देख के करेंगे। अब तक तो लोग बोल रहे थे इलेक्शन नहीं कर रही कांग्रेस, अब इलेक्शन शुरू हुआ है तो कोई कंटेस्ट करना चाहते हैं सबको फ्री है, किसको भी कोई रोका नहीं है।